इस वक्त की बड़ी खबर है रीवा से, जहां जवा जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। बताया जाता है कि मनरेगा राशि के भुगतान के लिए रौली सरपंच से घूसखोर सीईओ ने रिश्वत की मांग की थी। अक्सर चर्चाओं में रहने वाले जनपद सीईओ जवा आखिर लोकायुक्त पुलिस के हत्थे चढ़ गए और पुलिस ने 10,000 रुपयों की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद उन्हें जवा से त्योंथर ले जाया गया है। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां जनपद पंचायत जवा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी भारद्वाज रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किए गए हैं। फिलहाल लोकायुक्त पुलिस उनके आवास में कार्यवाही कर रही है। क्या नाम है आपका? रेवा प्रसाद द्विवेदी। किस बात को लेकर आपने लोकायुक्त में शिकायत की थी? शिकायत हमने की थी, हमारे भुगतान सब लंबित थे और मैंने कई बार जो है तो पंचायत भवन का हमारा भुगतान बाकी था, तो बिल मैंने आज करीब 1.5 साल पहले मैंने बिल लगा दिया था, लेकिन आज तक उसका भुगतान नहीं हुआ। और जो हमारे यहाँ मस्टर जारी किए जाते थे तो ना काम हम करवाते थे, सचिव करवाते थे, लेकिन बिना सरपंच सचिव के दस्तखत के भुगतान हो जाता था। मैंने इसकी शिकायत कई बार सीओ साहब के यहाँ लिखित में दी, उसकी पावती भी मेरे पास है, लेकिन कोई जो है तो उसकी ने जांच की गई ना कोई कार्यवाही की गई, बस हो गया, सब पैसा रफा दफा कर दिया जाता था। इधर उधर मैं परेशान था, मुझको लेबर परेशान करते थे और मुझसे मैं अपने घर से पैसा देता था, लेकिन जो है तो मेरा भुगतान आज तक नहीं हुआ। तो कितने हज़ार की रिश्वत मांगी गई थी? 15,000 की रिश्वत मांगी गई थी मुझसे। तो कितना आप पहले दे चुके हैं? पहले मैंने 5,000 दे दिया था, 10,000 आज मैं दिया हूँ। आज सुबह करीब 8 बजे जवा जनपद पंचायत के सीईओ अरुण भारद्वाज को 15,000 रुपये की रिश्वत लेते ट्रैप किया गया। 5,000 रुपये पूर्व में ले चुके थे, 10,000 रुपये लेते आज रंगे हाथों पकड़ा गया सुबह इनको। किसके द्वारा शिकायत की गई? शिकायतकर्ता है रेवा प्रसाद द्विवेदी, ग्राम रलौली के रहने वाले, इनके द्वारा कुछ जनपद पंचायत में कार्य किए गए थे, बिलों के भुगतान को लेकर पैसे की मांग की गई थी। ये सर कितने सदस्य थे, इन द्वारा आज कार्रवाई की गई है? ये DSP परिहार साहब हैं, मैं इंस्पेक्टर जियाउल हक, बाकी 8 सदस्य लोकायुक्त टीम के हैं। SP साहब के निर्देशन में कार्रवाई की गई, गोपाल सिंह धाकड़ साहब के निर्देशन में। जी, तो सर कार्रवाई अभी जारी है? कार्रवाई अभी जारी है, टाइम लगेगा इसमें, वहाँ पे सर्किट हाउस नहीं होने की वजह से त्योंथर में आके कार्रवाई की जा रही है इसकी, बाकी अग्रिम कार्रवाई करने के बाद आगे पता चलेगा।